हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको गैल्वेनी सेल के बारे में बताया था। ये जो गैल्वेनी सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक डैनियल सेल है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है। हमने दो बीकर लिए थे, दोनों बीकरों में एक बीकर में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें जिंक की रोड डाली, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने कॉपर की रोड डाली, ठीक है। उसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, दोनों को हमने कनेक्ट किया, यहाँ पर लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज लगाया था, और जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि जिंक की रोड का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो कम होने लगता है, जिंक की रोड घटने लगती है, कॉपर की रोड पर जो कॉपर है वो जमा होने लगता है। तो आखिर इसमें ये प्रोसेस क्या होती है, तो मैं बताता हूँ बच्चों। जिंक की रोड में से Zn+2 आयन सॉल्यूशन के अंदर जाने लगते हैं, यानी कि जिंक जो थी वो Zn+2 में कन्वर्ट होने लगता है। इसी तरह इस वाले बीकर में क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट में Cu+2 आयन थे, वो कॉपर की रोड पर, कॉपर की छड़ पर जाके जमा होने लगते हैं, जिससे इसका तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसका द्रव्यमान घट जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, देखिए जिंक जो है वो घटता है, डायल्यूट होता है, पिघलता है। जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद वो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिंक दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Zn+2 में कन्वर्ट होता है। पहले जिंक सॉलिड था, अब वाटर के अंदर एक्वस हो गया, जलीय अवस्था में आ गया। तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना यानी कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों, ऑक्सीकरण जहाँ पर होता है उसे हम एनोड कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। एनोड पर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण। ए से एनोड याद रख लो, और ए या नार से आप ऑक्सीकरण याद रख लो। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड क्या होता है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ के थ्रू जाएंगे इस तरह, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं वो होते हैं एनोड से कैथोड की ओर, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने कौन आएगा, कैथोड आएगा। इट मींस कैथोड इनको, इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके जाएंगे कैथोड पर। इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए आपका Cu+2 आयन जो आपके विलयन में था, उस विलयन से जो Cu+2 आयन है वो निकल कर कॉपर पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, तो कॉपर के जो Cu+2 जो आयन होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए कॉपर की छड़ का द्रव्यमान बढ़ने लग जाता है। तो Cu+2 ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, प्लस दो से जीरो में जा रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। तो बच्चों, एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो आपके पास होती है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो एक सेल में दो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, एक तो होती है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और एक होती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो अब आखिर पूरे सेल में हम देखे, मैंने आपको बताया था कि पूरे सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आधे सेल के एक हिस्से में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है, दूसरे हिस्से में अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहती है ये होती है। इसका मतलब पूरे सेल में कंप्लीट जो रिएक्शन होती है वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, अपोपचय अभिक्रिया। तो चलिए इन दोनों रिएक्शनों का हम एक पूर्ण सेल अभिक्रिया यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम पूर्ण सेल अभिक्रिया हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि पूरे सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो दोनों अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो Zn, ठीक है, Zn से बनता था Zn+2 और प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ये तो आपके पास ऑक्सीजन अर्ध, ये तो होती है एनोड पर, ठीक है। और कैथोड तो कौन सी हुई थी, Cu+2, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आपके पास आ जाएगा कॉपर। तो बच्चों, इन दोनों की जो ये होती है आपके कैथोड पर। तो इस तरह पूर्ण सेल अभिक्रिया कैसी हुई, देखो जिंक लिखा जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले मैंने जिंक लिखा, फिर मैंने लिख दिया Cu+2। तो जिंक जो है बच्चों सॉलिड है, Cu+2 इस विलयन के अंदर आयन होते हैं, इसलिए ये एक्वस है। उसके बाद एरो का चिन्ह, तीर का निशान, Zn+2 प्लस कॉपर, Zn+2 आयन है और कॉपर सॉलिड है। तो ये जो अभिक्रिया बनी है बच्चों, इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और दिस इज द पूर्ण सेल अभिक्रिया, यही आपकी पूर्ण सेल अभिक्रिया है।
पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है, जो कि एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है बच्चों, ठीक है। तो अब हम यहां पर कोई सा भी गैल्वेनिक सेल ले लें, यहां हमने जो गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल लिया है उसमें जिंक और कॉपर लिया है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही जिंक कॉपर लें, हम कोई सा भी धातु आयन यहाँ पर ले सकते हैं। देखा जाए तो होता क्या है कि जब किसी एक धातु की अभिक्रिया किसी दूसरी धातु के साथ कराई जाती है तो वो उस धातु का प्रतिस्थापन कर देती है। तो जो धातु अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है, वो कम क्रियाशील धातु का उसके लवण विलयन से प्रतिस्थापन कर देती है। तो वो अभिक्रिया भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है बच्चों, जो कि यहाँ होती है। तो कुल मिला के मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब इन अभिक्रियाओं को कैसे हम इन शॉर्ट में दर्शा सकते हैं, कौन से सेल में कौन कौन अभिक्रिया कर सकता है, कौन सी धातु किस धातु को अपचयित कर सकती है, कौन सी धातु किस धातु को ऑक्सीकृत कर सकती है, इसके लिए हम यहाँ पर निकालते हैं बच्चों मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल। एक तो ये होता है, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, ये आपका पूरा सेल है, इस सेल के अंदर ये सेल का एक हिस्सा एनोड और एक हिस्सा कैथोड, इस एक हिस्से को बोलते हैं एक इलेक्ट्रोड, यानी कि एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड। तो एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला इलेक्ट्रोड ये रहा जिसको हम एनोड बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं एक को कैथोड बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेल में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड पर बह रही है, तो अगर आप गौर से देखो बेटा कि विद्युत धारा जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा बहेगी वो कैथोड से बहेगी एनोड की तरफ, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने का कि दिशा, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में प्रवाहित होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है एनोड से कैथोड की ओर। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, मैंने यहाँ से पूछा बताइए कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, तो आंसर आएगा जिंक इलेक्ट्रोड, जो जिंक का बना हुआ है वो एनोड की तरह कार्य करेगा। कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा, तो आपका उत्तर होगा सर कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो बच्चों जब हम किसी दो धातु से हम कोई सेल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेल किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है। तो ये कैसे पता लगाते हैं, ये पता लगाने के लिए निकाला जाता है इनका इलेक्ट्रोड विभव। क्या निकाला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव किसी विद्युत रासायनिक सेल में किसी एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव, किसी एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव। देखो ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं एक सेल के अंदर, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो किसी सेल में किसी एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव, अब वो कोई सा भी हो सकता है वो ऑक्सीकरण अर्धविक्रिय सेल हो या अपचयन अर्धविक्रिय सेल हो, अर्ध सेल बोल सकते हैं इनको अपन। तो किसी सेल में किसी एक इलेक्ट्रोड पर यानी कि अर्ध सेल पर, ठीक है ना, उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लेकिन बच्चों ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये कैसे उत्पन्न हो गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने ये सेल बनाया था, बीकर बनाया था, और बीकर के अंदर मैंने ये आपका जिंक डाला, तो जिंक जो है वो यहाँ से जैसे रिलीज हुआ Zn+2 में, ठीक है, जैसे जिंक Zn+2 में रिलीज हुआ तो इसने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पे आ गए, ठीक है।
तो इस इलेक्ट्रोड की सतह पर माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाता है और अंदर विलयन के बाहर जो जैसे इसने जो इलेक्ट्रॉन जमीन प्लस टू त्याग है वो यहाँ जमा हो गया, लेकिन बाहर की तरफ प्लस टू है ना, तो प्लस चार्ज बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव का अंतर उत्पन्न हो जाएगा, इस विभव के अंतर को ही हम क्या कह देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही किसी इलेक्ट्रोड से Zn प्लस टू है ना भाई, जिंक जो है जिंक सॉलिड से Zn प्लस टू में आ रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं छोड़ता बल्कि इस इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ते हैं, तो इस इलेक्ट्रोड की सतह पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, माइनस चार्ज जमा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड की सतह पर माइनस चार्ज जमा हो गया और विलयन के अंदर प्लस चार्ज जमा हो गया, तो प्लस माइनस कारण एक क्या बन जाती है, एक विभव परत बन जाती है। इस विभव को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऐसा ही काम आपका यहाँ पर होगा, ये इलेक्ट्रोड विभव ही इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर करने के काम आता है। ठीक है बच्चों, तो यही होता है जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं विभव का जब अंतर होता है तो उसे अपन विभवांतर कहते हैं, और जिस स्थान पर विभवांतर आता है वहां पर विद्युत धारा प्रकट होती है, तो विभवांतर के कारण विद्युत धारा बहती है, ये हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, तो ये विद्युत धारा की दिशा है जो पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ जाती है। अंडरस्टैंड, तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये तो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा है बाह्य परिपथ में, लेकिन आंतरिक परिपथ में जो विद्युत धारा बहती है वो बहती है आयनों के कारण, यानी कि जो आयन्स होते हैं वो इस लवण सेतु के माध्यम से विलयन में प्रवाहित होते हैं, और इसी के कारण परिपथ पूर्ण होता है, सर्किट कंप्लीट होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों यहाँ अगर आपने देखा जिंक जो है वो Zn प्लस टू में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसी सेल में किसी एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, और यदि इस इलेक्ट्रोड में हम एक एटीएम प्रेशर ले लें और 298 केल्विन टेम्परेचर ले लें, तो इतने केल्विन टेम्परेचर और एक एटीएम प्रेशर पर इस इलेक्ट्रोड का विभव जितना आएगा उस विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मैंने परिस्थिति लगा दी, वापस सुन लीजिए, मैंने इस विलयन में तापमान दे दिया 298 केल्विन, और इसका अगर मान लो यहाँ गैस है कोई, तो उस गैस का प्रेशर लगा दिया, उस गैस का जो प्रेशर है वो है 1 atm, तो 8 एटमोस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर इकाई सांद्रता, और इसकी जो सांद्रता ली है वो इस विलयन की वो मैंने ले ली 1 molar, तो 1 molar सांद्रता है, 298 केल्विन ताप है, 1 atm प्रेशर है, इस परिस्थिति में जितना विभव इस पर उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी इलेक्ट्रोड का 298 केल्विन ताप एवं 1 atm दाब पर, देखो किसी सेल में किसी 1 molar वन या इकाई सांद्रता लिख देता हूं मैं यहां पर, किसी सेल में किसी इकाई सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड का 298 केल्विन ताप एवं 1 atm दाब पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बच्चों ध्यान सुनेंगे, किसी सेल में किसी एक इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव में हम इस इलेक्ट्रोड की जो कंडीशन है वो होनी चाहिए 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और 1 molar वाली सांद्रता, 1 molar की सांद्रता का विलयन होना चाहिए, लवण विलयन होना चाहिए,
और इस आधार पर जितना इलेक्ट्रोड विभव यहाँ का निकलेगा वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो किसी एक इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में निकाल लिए गए हैं, ज्ञात कर लिए गए हैं अधिकांश धातुओं के, अधातुओं के, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिए गए हैं जो कि आपकी बुक में एक टेबल में दिए हुए हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नोड से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे ई नोड से दर्शाया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नोड से दर्शाते हैं तो इस ई नोड की वैल्यू ही डिपेंड करती है कि किसका तो अपचयन होगा और किसका ऑक्सीकरण होगा, कौन किसके साथ अपचयन कर सकता है और कौन किसके साथ ऑक्सीकरण कर सकता है। यहाँ आप गौर से देखो, जिंक और कॉपर का आपने जब सेल बनाया तो कॉपर का तो हुआ है अपचयन और जिंक का हुआ है ऑक्सीकरण। तो ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर कॉपर का अपचयन और जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण और जिंक का अपचयन क्यों नहीं हुआ, ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों ये जो डिपेंड करता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव पर डिपेंड करता है। तो जिसके ई नोड की वैल्यू, ई नोड का मान, ठीक है, जितना ज्यादा होगा ई नोड की वैल्यू, ई नोड का मान अधिक होगा, जिसका ई नोड का मान अधिक होगा उसका अप, देखो ये कहलाते हैं मानक अपचयन विभव एक तरीके से, आप ये याद रखो। तो जिसका ई नोड का मान अधिक उसका अपचयन होगा, ठीक है, यानी कि उसका खुद का अपचयन हो रहा है, उसका खुद का। तो आपकी बुक में क्या दे रखी, टेबल दे रखी है, मैं आपको बता दूं आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में जब आप देखोगे, इंग्लिश मीडियम 271 है टेबल दी हुई है, उस टेबल में जब आप देखोगे तो सारी मानक अपचयन विभव की वैल्यू आपको गिवन है। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे मानक अपचयन विभव की वैल्यू है और लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। हम सब जानते हैं लिथियम इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसके ई नोड की वैल्यू का मान बहुत ज्यादा होता है वो बेटर ऑक्सी कारक होता है, वो सर्वश्रेष्ठ ऑक्सी कारक होता है। और जब वो खुद ऑक्सी कारक है यानी कि दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा लेकिन खुद का क्या करेगा, अपचयन करेगा। जो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है वो खुद का अपचयन करता है, जो खुद का अपचयन करता है वो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है। बात समझ में आ रही है, मैं फिर से बताता हूँ, पहले इस चीज को समझेंगे अपचयन और ऑक्सीकरण। देखो बच्चों इस रिएक्शन को गौर से देखो, हम सबको पता है कि कॉपर का अपचयन हुआ था और जिंक का ऑक्सीकरण हुआ था। कॉपर का अपचयन हुआ है, इसका हुआ है अपचयन, किसने किया, इसने किया, जिंक ने, तो जिंक कहलाएगा अपचायक, तो ये कहलाएगा आपका अपचायक, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कॉपर का अपचयन हुआ, किसने किया, जिंक ने किया, तो जिंक क्या कहलाएगा, अपचायक। जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, जिंक का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण, किसने किया, कॉपर ने, तो कॉपर क्या होगा, ऑक्सीकारक है। तो ये होता है बच्चों ऑक्सीकारक, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो ऑक्सीकारक होता है, वो खुद का अपचयन करता है, इसका मतलब जिसके ई नोड की वैल्यू ज्यादा होगी उसका खुद का अपचयन होगा। तो ई नोड का मान अधिक, खुद का क्या होगा, अपचयन, तो बेटर क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो ई नोड का मान जितना अधिक होगा, ई नोड की वैल्यू जितनी अधिक होगी वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। समझ गए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जिसके ई नोड की वैल्यू का मान ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी, जिसके ई नोड की वैल्यू कम होगी यानी कि माइनस में होगी, और माइनस में कम का मतलब जितना कम होता है बहुत कम हो जाता है, तो जिसके ई नोड की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी यानी कि अपचायक प्रवृत्ति अधिक होगी। बात समझ में आ रही है, जिसके ई नोड की वैल्यू कम होगी
उसकी अपचायक प्रवृत्ति अधिक होगी, तो ई नोट की वैल्यू कम तो अपचायक प्रवृत्ति अधिक। तो अपचायक प्रवृत्ति से अगर हम ई नोट को करें, ई नोट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपचायक प्रवृत्ति, ठीक है, अपचायक सामर्थ्य है, अपचायक करने दूसरे का अपचयन करने की सामर्थ्य है। तो बच्चों ई नोट की वैल्यू जितनी कम होगी, ई नोट की वैल्यू जितनी कम होगी, मैं बताता हूं, एक तो है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए आपके पास, फ्लोरीन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, फ्लोरीन के लिए आपकी बुक में टेबल में फर्स्ट में फ्लोरीन दे रखा है, तो फ्लोरीन के लिए आपको ई नोट की वैल्यू, ई नोट का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2.87, ठीक है। और लिथियम के लिए, लिथियम के लिए आपको दे रखा है, लिथियम के लिए ई नोट का मान, लिथियम के लिए आपको ई नोट का मान दे रखा है माइनस का 3.05। ई नोट की वैल्यू लिथियम के लिए सबसे कम है, सबसे कम, जितना कम ई नोट होगा अपचायक प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, तो लिथियम बेटर अपचायक है और फ्लोरीन बेटर ऑक्सीकारक है, क्योंकि फ्लोरीन के लिए ई नोट का मान पॉजिटिव में 2.87 है, तो जिसके ई नोट का मान जितना ज्यादा होगा ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो ई नोट का मान है 2.87, बहुत ज्यादा है, तो ये ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का है, ठीक है, यानी कि ये दूसरे का ऑक्सीकरण कर सकता है, ये दूसरे का क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण। इधर आके देख लेना, जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है उसका खुद का अपचयन होता है, और जो अपचायक प्रवृत्ति का होता है उसका खुद का ऑक्सीकरण होता है। तो ये चीजें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं करेंगी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। तो बच्चों ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि कौन किसका अपचयन कर सकता है और कौन किसका ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण कर सकता है यानी कि ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो ये चीजें आपको पता लगती हैं। अब बच्चों हमें कई क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि कौन किसको अपचयित कर सकता है, कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है, किसकी अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा होगी, अपचायक सामर्थ्य है, किसकी ऑक्सीकारक सामर्थ्य अधिक होगी, तो ये हम ई नोट की वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो बहुत इजी है। अब जैसे आपके एक क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर देखो 8-9 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8-9 के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि अरेंज दीज मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो इसका मतलब आपको अपचायक प्रवृत्ति बतानी है कि किसकी अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो ई नोट की वैल्यू के आधार पर आप उनकी अपचायक प्रवृत्ति को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे। आपको ई नोट का मान देखना है, ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ज्यादा आएगी तो अपचायक प्रवृत्ति कम होगी, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसी आधार पर आप जमा सकते हो। तो ये था आपका आज का, और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से क्वेश्चंस करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।